हाय दोस्तों, वेलकम बैक सी जिलियो। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ कर्नाटक में और कर्नाटक के बेंगलोर में हूँ। अभी 3-4 दिन हो गए यही ठहरा हूँ यार। अरे यहाँ का मौसम और बेंगलोर का मौसम भाई एकदम ठंडा है यार, पानी गिर है। 2-4 दिन हो गया तो यहाँ का ब्लॉग वीडियो शूट करने के लिए आया हूँ भाई। तो चलिए देखते हैं आज का ब्लॉग वगैरह में। ये है कर्नाटक का सिटी, यहाँ का देख सकते हो भाई व्यू वगैरह। ये है यहाँ का व्यू। तो अभी बाइक वगैरह बुक करते हैं, उसी में जाएंगे। बेंगलोर जैसे बड़े शहर में भाई ऑटो वगैरह में जा सकते हो, क्योंकि ट्रैफिक का बहुत बड़ा समस्या होता है। टू व्हीलर है तो कहीं से निकाल लेता है इधर उधर करके। यहाँ से 12-13 किलोमीटर है तो 1-2 घंटे में पहुँचेंगे आई थिंक। इतना बड़ा ट्रैफिक भाई इधर बहुत ज़्यादा। तो बाइक वगैरह बुक करते हैं। इसी तरीके से भाई पेड़ पौधा बहुत ही ज़्यादा लगा है, जैसे दिल्ली में आप लोग देखते हो ना वैसे ही लगा इधर भी पेड़ पौधा बहुत। इस वजह से यहाँ का जो क्लाइमेट है ठंडा है एकदम। अभी एक पेट्रोल पम्प में आया भाई, रिपीटो बुक किया हूँ तो तेल डरवाने आए रिपीटो वाला। ये दिख रहा है मोटा सा भैया, ये उनका बाइक है बजाज का। तो इसी में जाएंगे पुनीत राजकुमार सर के घर। ये है यहाँ का व्यू। मौसम बेईमान है भाई बेंगलोर का, पानी गिरने वाला नहीं जा सकते ऐसे, हेलमेट के लिए नहीं जा सकते भाई। हाँ भाई, किसको वीडियो बना रहे हैं? चलो हाँ, वीडियो बनाता है क्या? कोई भी पूछता है भाई किसका वीडियो बना रहे ऐसे करके, एकदम डर लग जाता है अनोन प्लेस में आकर। किसका वीडियो बना रहे ऐसे क्या करोगे? अरे वीडियो वाला भैया है पूछ रहा है मेरे को। और बेंगलोर में 2 जन जाओगे फिर भी आप हेलमेट में जाओगे, 1 जन जाओगे फिर भी हेलमेट, टीवल तो जा ही नहीं सकते भाई यहाँ बहुत ही ज़्यादा कड़ी नियम कानून है यहाँ। चलो देखते हैं पुनीत राजकुमार सर के घर का लोग वीडियो। ये आप यहीं से हो क्या? यहीं से लोकल है? हिंदी वगैरह बोलते नहीं पाते ना, यहाँ हिंदी बहुत ही कम चलता है शायद। अरे है बेंगलोर का व्यू, क्या सुपर दिख रहा है यार, गंदगी नाम का चीज़ नहीं है भाई। पेड़ पौधा इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंडा लगता है। तो मुझे एक बार बहुत साल पहले मिले थे शूटिंग में। हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, उनका जेंट्स का जो शूटिंग चल रहा था। हाँ, मैं बारिश में वहाँ के एक असिस्टेंट डायरेक्टर को ड्रॉप करने के लिए गया था। हाँ, तो वहाँ पे शाम में बारिश स्टार्ट हो गई। हाँ, तो जेम्स में आपने गाने में देखा होगा शादी का सीन है। हाँ, पैलेस ग्राउंड में शूट हो रहा था बेंगलोर में। हाँ, बेंगलोर में पैलेस ग्राउंड में शूट हो रहा था। हाँ, तो कार में बैठे हुए थे। हाँ, असिस्टेंट डायरेक्टर को मैंने राजा राजेश्वरी नगर से वहाँ तक ड्रॉप किया था। वो भी आंध्रा वाले थे असिस्टेंट डायरेक्टर, वो भी क्रिश्चियन है, उनका नाम मैं बहुत दिनों के भूल गया हूँ। हाँ, बट वो जस्ट मिलवाने ही वाले थे, बारिश स्टार्ट हो गया, फिर भी मैं आधा घंटा रुका मैं। हाँ, वरना मैं उनसे मिल के आता। ऐसे क्या इतफाक से वो पिक्चर में ही उनकी शूटिंग में डेथ हो गई। ऐसे क्या मतलब नेचुरल डेथ हो गई शूटिंग करते हो? क्या शूटिंग करते वक्त? नहीं, वो तो जिम कर रहे थे ना। हाँ, कुछ रीजन की वजह से हुआ होगा। जब एक्सरसाइज वगैरह कर रहे थे ना टीवी में सब यही दिखाया गया। पानी गिर रहा है, हम लोग जो पास हो रहे हैं चित्रकला परिषद, यहाँ पे जो है गांधी जी ने अपनी जिंदगी में यहाँ के अपने बहुत सारे लम्बे यहाँ गुजारे हैं। यहाँ पर कितना दूर है पुनीत राजकुमार सर के घर? यहाँ से 2-3 किलोमीटर और बस है मतलब। आपने सनी डेओल का जो गाना सुना होगा जो तब्बू के साथ आया था, साथ या बिन तेरे दिल माने ना, वो गाने की शूटिंग पूरी यहीं चली गई है यहाँ पर। ये देखिए 25
30 माला बिल्डिंग बनाया गया है। 30 माला बिल्डिंग, अरे वाह। कौन सा पिक्चर का नाम बताए? साथिया। इम्तिहान, इम्तिहान, साथिया बिन तेरे दिल माने ना। यहाँ पर शूट हुआ था? हाँ, यहाँ पे पूरा गाना यहाँ शूट किया गया था, सनी डेल और तबू का। ये कितना माला खो गया? ये 24 है, 26। 26 माला, अरे बाप रे, कौन बनाया होगा इतना बड़ा बिल्डिंग? इसमें भूकंप का कोई परवाह नहीं होगा। रेसिडेंसी है? कॉम्प्लेक्स है। वही हो सकता है, कॉम्प्लेक्स है। क्या खतरनाक बना रहा है। उस समय ट्रैफिक भी नहीं था क्या, जिस समय सॉन्ग शूट हुआ था? देखिए यहाँ पे शूट किया है पूरा गाना यहाँ पे। हो यार सही बोल रहा है। टर्निंग हो गया है, बहुत ज़्यादा हो गई, नहीं जा सकते उधर तो। वहीं पर ठीक था, तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं पुनीत राजकुमार सर के घर के फ्रंट में खड़े हैं। अभी बेंगलोर में पूरी तरीके से पानी गिर रहा है। ये पीछे में है घर पुनीत राजकुमार सर का। अभी आप लोगों को रियल कैमरा में भी दिखाऊंगा। यहाँ पूरा यार वीआईपी लोग रहते हैं बहुत ही ज़्यादा। तो ये है यहाँ का व्यू भाई, अंदर तो जा नहीं सकते, बाहर का व्यू दिखा देते हैं आप लोगों को। पुनीत राजकुमार सर को साउथ के लोग पूरा भगवान के दर्जा देते हैं। जगह जगह भाई आपको बेंगलोर में उनका फ़ोटो देखने में मिल जाएगा। ये घर का गली है, यहाँ सब वीआईपी लोग रहते हैं भाई। पानी गिरा है यार बहुत मुश्किल में। ये है यहाँ का व्यू वगैरह। ये सिक्योरिटी गार्ड है, परमिशन ले खींच रहा हूँ भाई, नहीं दे रहा। ये है यहाँ का व्यू पुनीत राजकुमार सर का। तस्वीर लगा है यहाँ पर। चलिए दोस्तों चलते हैं हम घर यार, बहुत हो गए वीडियो वगैरह बना लिए। दिख रहा है सर का घर, तो यहाँ से निकलते हैं। पुनीत राजकुमार सर का घर यहाँ से देख सकते हो। बेंगलोर में पानी गिरा है भाई, इस वजह से ना हालात चेंज हो गया पूरा।